एक आम आदमी जो 30,000 रुपए की सैलरी कमाता है उसे 88,000 ईयर्स लगेंगे 1.5 लाख करोड़ कमाने के लिए, लेकिन एक फंड मैनेजर ने बस 2 दिन में 1.5 लाख करोड़ गवा दिए हैं। 28 मार्च 2021 को एक गोल्डमैन सैक्स ने 78,000 करोड़ के शेयर्स बेच दिए हैं। कुछ दिन और सेलिंग पैटर्न देखने के बाद ये पता चलता है कि किसी को 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, और इन सारे लॉसेस के पीछे एक पर्सन होता है जिसका नाम है बिल होंग। तो क्या है ये पूरा मामला? बिल होंग के हेज फंड ने वायाकॉम सीबीएसई कंपनी में हेवी पोजीशन लेना शुरू की, साथ ही उन्होंने इस पर 5 टाइम्स लेवरेज लिया, यानी उन्होंने टोटल 7,50,000 करोड़ की पोजीशन बनाई, और ये लेवरेज उन्होंने नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली इन जैसे बैंक से लिया। लेकिन फिर मार्च 2021 में वायाकॉम सीबीएसई ने डिसाइड किया कि वो 20,000 करोड़ रुपए स्ट्रीमिंग कंटेंट में इन्वेस्ट करेंगे, और तुरंत कंपनी का स्टॉक मार्च महीने में 55% से गिर गया। ऑलरेडी बिल होंग की ये पोजीशन लेवरेज पोजीशन थी, जैसे ही लॉस 20-30% के ऊपर जाने लगा बैंक को तुरंत बिल होंग के शेयर्स बेचने लगे, और इसकी वजह से बैंक्स और बिल होंग दोनों को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे ही बिलियन डॉलर वर्थ के लेसन फ्री में सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।